नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को लंबे समय से इंतजार था कि सर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी विकास बंसल एकेडमी में कब शुरू होने जा रही है, तो लास्ट वीक हम लोगों ने 6 जनवरी को स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का बैच शुरू कर लिया है। और उस बैच के अंदर मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि बच्चे लगातार हमारा वेट ही कर रहे थे कि भी हम कैसे बैच अनाउंस करेंगे और तुरंत बच्चे उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर जो है वो बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन किया है और बच्चों का रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और पॉजिटिव था। और अब एक और नई डिमांड बाहर निकल के आई कि सर ऑलरेडी हम सिलेबस बैच ज्वाइन कर चुके हैं, सिलेबस बैच की फीस हम या तो ऑनलाइन किसी एकेडमी को या ऑफलाइन किसी एकेडमी से सिलेबस करके उसकी फीस पे कर चुके हैं। अब हमारे पास इतनी फीस पे करने को नहीं है कि भी हम दोबारा से सिलेबस बैच लगा सकें। रिजल्ट वैकेंसीज भी काफ़ी नज़दीक है और पटवारी का एग्ज़ाम या पंजाब पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम है, सुनने में आ रहा है कि भी मार्च या अप्रैल तक वो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसे में बच्चों की ये डिमांड थी कि सर सिलेबस बैच हम कर चुके हैं ऑफलाइन, अब अगर कोई प्रैक्टिस बैच हमें मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहे। और उसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत जल्द स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस बैच शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहे हैं उसकी तारीख है 20 जनवरी 2023, यानी जस्ट ये जो फ्राइडे आ रहे हैं उस फ्राइडे को ये बैच नया शुरू करने जा रहे हैं। इस बैच के अंदर कोई भी स्टूडेंट जिसने ऑनलाइन हमारी एकेडमी से या कहीं भी किसी अदर एकेडमी से तैयारी की हो, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट नहीं जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। इस टेस्ट बैच के अंदर, इस प्रैक्टिस बैच के अंदर स्पेशल टारगेट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स को। इसमें बैंक का कोई कंटेंट, कोई मैटर नहीं करवाया जाएगा, बैंक की तैयारी से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। सारी की सारी जो तैयारी रहेगी, सारा का सारा जो सिलेबस रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करके करवाया जाएगा। लगातार फोन्स आ रहे हैं, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम सिलेबस बैच नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम सिलेबस कर चुके हैं, सिलेबस बैच की फीस हम पे कर चुके हैं पहले। लेकिन जैसा कि बैंकिंग के आपके जो प्रैक्टिस बैच हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, लगातार अदर अकेडमी के बच्चे, हमारी ही अकेडमी से पढ़े हुए बच्चे प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करते रहते हैं। और उन प्रैक्टिस बैच का जो निष्कर्ष निकलता है वो ये, लगातार 5, 5.5 और 6 घंटे की क्लास रहती है, सिंगल सिटिंग के अंदर बच्चे आके उसको ज्वाइन करते हैं। और उस वजह से, रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से, टीचर्स की प्रॉपर गाइडेंस की वजह से हर दिन हम हर सब्जेक्ट पे काम करते हैं। हर दिन जब एक ही स्टूडेंट के ऊपर जब हर एक सब्जेक्ट को लेकर काम किया जाएगा और जो एक टीचर के थॉट्स होते हैं एग्जाम को लेकर, एग्जामिनर की प्रेडिक्शन को लेकर कि भी वो क्या चीज़ पेपर के लिए सोच सकता है, वो पेपर में क्या चीज़ ऐड करने के बारे में विचार कर सकता है, उस चीज़ को लेकर जो एक टीचर की प्रेडिक्शन होती है, जो टीचर की एक सोच होती है, उस सोच का हमारी जो वर्कशीट्स हैं उसके ऊपर बड़ा प्रभाव नज़र आता है और इस चीज़ का फायदा जो है वो स्टूडेंट्स को मिलता है। हम लोग इसके अंदर जो तैयारी करवाएंगे उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ। अमूमन वैसे तो देखो हमारे प्रैक्टिस बैच जो है वो शुरू से ही बड़े फेमस रहे हैं और ये जो चलन है बठिंडा शहर के अंदर वो हमारा ही शुरू किया हुआ है कि सिलेबस बैच के जस्ट बाद प्रैक्टिस बैच स्टूडेंट को दिया जाए। अगर सिलेबस बैच के बाद बच्चे को अगर घर भेज दिया जाता है तो बच्चा उतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाता है अपने आप से, वो सिर्फ अपने किसी एक वीक पॉइंट को लेकर बैठा रहता है, उस एक चीज़ पे काम करता रहता है और बाकी की सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है। लेकिन जब टेस्ट बैच में आप आते हो तो टेस्ट बैच के अंदर क्या होता है, आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो काम करवाया जाता है। तो अपने इस टेस्ट बैच के अंदर क्या कुछ रहेगा, एक क्लास रेगुलर आप लोगों की मैथ्स की रहा करेगी। मैथ्स के अंदर मैं शुरुआत कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं आपको वर्कशीट्स के माध्यम से सारे के सारे टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा, जितने भी टॉपिक ये लिखे गए हैं। अगर कोई अलजेब्रा का टॉपिक आ रहा है, हायर मैथ्स का कोई टॉपिक आ रहा है, कोई भी किसी तरीके का, चाहे वो कोई टफ है लेवल, वैसे तो देखो आपको पता ही है टफ नहीं आता मैटर इसके अंदर, हर तरीके का मैटर मैथ्स का मैं सारा रिवाइज करवाऊंगा। अगर आपने कहीं पर सिलेबस थोड़े टाइम पहले भी लगाया है तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर अपने जो हमारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो सारी इसके अंदर आपको कवर करवा दूंगा। और उसके बाद एक रेगुलर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी मैथ्स की, स्टेटमेंट की, मैथ्स की कैलकुलेशन की, और उसके अलावा मैथ्स में कोई चीज़ें अगर अपने को ऐड करनी पड़ी तो उन सबको ऐड करते हुए, ठीक है जी।
उसके बाद नेक्स्ट एक क्लास आप लोगों की रहा करेगी रीजनिंग की। रीजनिंग में भी हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोगों को ऑलरेडी सिलेबस अगर किया हुआ है तो रीजनिंग के अंदर अगर आप कहोगे तो टॉपिक वाइज रिवाइज करवा देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर टॉपिक वाइज करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग आसानी होती है, तो आपको सीधा एग्जाम जो है वो टेस्ट लेने शुरू कर देंगे रीजनिंग के। और रीजनिंग के टेस्ट जो है वो हमारे चंदन सर जो अपनी रीजनिंग की ट्रिक्स के लिए जाने जाते हैं, वो आपको जो है वो रीजनिंग का सारा पेपर डेली सोल्व करवाया करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस में आपकी क्वेरीज होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। डेली एक घंटे की जो क्लास है वो रीजनिंग की रहा करेगी। उसके बाद ये हमारे इंग्लिश के टीचर हैं रमन सर। रमन सर जो है वो बहुत कम समय के अंदर बच्चों के दिलों में जगह बना चुके हैं। और इंग्लिश जैसा कि आपको पता है बैंकिंग के अंदर, बैंक पीओ के अंदर बहुत टफ लेवल की इंग्लिश आती है, और वो टफ लेवल की इंग्लिश सर बहुत बढ़िया तरीके से और कामयाबी से करवा पा रहे हैं। डेली एक पेपर आप लोगों का रखा करेंगे, कुछ टॉपिक भी आपको रिवाइज करवाएंगे, नरेशन वगैरह जो स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा आते हैं उनको रिवाइज करवा के उसकी रिवीजन के जस्ट बाद आपके डेली टेस्ट शुरू हो जाएंगे। और ये एक घंटे की क्लास आप लोगों की इंग्लिश की रहा करेगी। एक घंटा मैथ्स का, एक घंटा रीजनिंग का, एक घंटा इंग्लिश का, ये तीन घंटे के लेक्चर हो चुके हैं। उसके बाद ये हमारे जीके गुरु आ जाते हैं नंदन सर। नंदन सर को जो जिम्मेवारी दी गई है वो हिस्ट्री की, करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की, और उसके अलावा जो भी मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनकी जीके को लेकर पकड़ बहुत मजबूत है और ये आपको जीके में हर चीज करवा सकते हैं, इनका इतना बढ़िया नॉलेज है हर चीज को लेकर। तो ये आपको जो है वो एक घंटे की क्लास आपको जीके की ये मिला करेगी, जिसमें हिस्ट्री, स्टैटिक और करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे। ये नंदन सर की एक क्लास रहा करेगी एक घंटे की। तो ये चार घंटे हो चुके हैं। नेक्स्ट, बिल्कुल एग्जाम के जब हम लोग नजदीक आ जाएंगे, जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी कि आज से 20 दिन बाद, आज से एक महीने बाद, आज से डेढ़ महीने बाद आपका पेपर है, तो उन दिनों में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपको कंप्यूटर की क्लास भी जो है वो दी जाएगी। और ये कंप्यूटर की आईटी से रिलेटेड जो भी मैटर आएगा वो सारा का सारा जो है वो आपको जतिन सर, इनका नाम है जतिन जी, आपको जो है वो सारा मैटर करवाएंगे। बहुत बढ़िया इनका नॉलेज है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थोड़े टाइम पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, ESIC के अंदर UDC का एग्जाम होता है। उस UDC के एग्जाम के अंदर एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, उस स्किल टेस्ट की सर ने तैयारी करवाई थी। 39 स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट दिया था और हमारे यहाँ से स्किल टेस्ट में एक सिंगल बच्चा भी फेल नहीं हुआ। 39 के 39 बच्चों ने वो स्किल टेस्ट पास किया था। अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो एक्सेल का जो अपनी स्प्रेडशीट आनी है उसकी भी जल्दी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो सर का नॉलेज बहुत बढ़िया है और इनकी क्लास रहेगी लास्ट के दिनों में जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा। अभी रेगुलर क्लास नहीं रहेगी इनकी, लास्ट के दिनों में इनकी क्लास रखी जाएगी। ये हमारे संजय सर हैं, बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल ये अबोर अकेडमी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनको भी अब यहाँ की क्लासेस के लिए जो है वो इनको भी लाया जा रहा है और इनकी जो क्लासेज हैं वो रखी जा रही हैं। ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, पंजाब GK, इससे रिलेटेड जो सारा मैटर है वो संजय सर संभालेंगे। आप जब इन टीचर्स की क्लास लगाओगे तो आपको खुद से पता लगेगा कि क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, क्यों विकास बंसल अकेडमी से इतने रिजल्ट आते हैं। क्योंकि हम लोग तैयारी के दौरान एक डेडिकेशन लेवल जो है वो हमारा हमेशा नज़र आता है और वो डेडिकेशन लेवल ही जो है वो बच्चों को रिजल्ट तक लेके जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट रहेंगे। इसकी मैं टाइमिंग आप लोगों को बता देता हूं और एक पॉइंट ये कि भी इसके चार्जेस भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। हालांकि हम कभी भी चार्जेस की दौड़ में नहीं रहे हैं, ना ही हमने कभी इस तरीके से कोई ऑफर, कोई डिस्काउंट, कोई स्कीम, कोई कंपटीशन ऐसा कभी शो किया है, क्योंकि हम इस रेस से बाहर है। हम हमेशा रिजल्ट की रेस में होते हैं कि किस अकेडमी से रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। हम इस रेस में नहीं है कि किस अकेडमी से स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ रहे हैं। हम इस रेस में नहीं है कि कहाँ भीड़ ज़्यादा है। हम इस रेस में भी नहीं है कौन YouTube पे ज़्यादा फॉलोअर या सब्सक्राइबर लेकर घूम रहा है। हम इस रेस में नहीं है। हम रेस में है रिजल्ट किसके पास ज़्यादा है, मेहनत कौन ज़्यादा कर रहा है, बच्चों के साथ जिसका लगाव ज़्यादा है, कौन अकेडमी है जिनके यहाँ फेयरवेल पार्टीज भी बच्चे इंजॉय करते हैं, कौन अकेडमी है जिनके यहाँ बच्चों को ट्रिप पर लेके जाया जाता है, कौन सी ऐसी अकेडमी है जहाँ पर सिलेक्शन होते हैं 50-100 बच्चों के और बच्चे लाइन लगा के मिठाई के डब्बे लेकर खड़े होते हैं। हम उस रेस में हैं। हम बच्चों के प्रति हमारा जो लगाव है वो किसका ज़्यादा है, हम उस रेस के अंदर हैं। हम पैसे की दौड़ में नहीं है, हम भीड़ इकट्ठी करने की दौड़ में बिल्कुल भी नहीं है,
तो ये जो मैंने चार्जेस आप लोगों को बताने का यहाँ पर विचार बनाया है वो सिर्फ इसलिए कि हर एक बच्चा जो फाइनेंशियली वीक है, जो जरूरतमंद है, उसको ये मैसेज डिलीवर किया जा सके कि इस तैयारी के अंदर आप लोगों को टेस्ट बैच इतने कम रेट्स के अंदर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, ये आपको जरूर पता लगे। ठीक है जी, तो चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो चार्जेस रखे गए हैं वो 2000 पर मंथ रखे गए हैं, और हमारे यहाँ जो बैंकिंग के भी जो टेस्ट बैच हैं उनकी भी जो फीस है वो 2000 पर मंथ ही है, और वही फीस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी रखी गई है। हालांकि बैंकिंग के एग्जाम में ऑलरेडी हमने सारा सिलेबस करवाया होता है, जस्ट प्रैक्टिस करवानी होती है, लेकिन यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के टेस्ट बैच में हमारा एक प्रयास रहेगा आपको पीछे के सारे टॉपिक रिवाइज करवाए जाएं, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, सारे टॉपिक पीछे के रिवाइज करवाए जाएं। ठीक है जी, तो इसकी जो फीस रहेगी वो 2000 रुपया पर मंथ 2 मंथ्स के स्लॉट में रहेगी, यानी आपको वन टाइम 4000 फीस डिपॉजिट करवानी होगी। कोई भी अदर अकेडमी का स्टूडेंट अगर हमारे पास टेस्ट बैच में डायरेक्ट एंट्री लेता है तो उसकी हमारे पास जो टेस्ट बैच की रजिस्ट्रेशन फीस रहती है वो 1500 रहती है, और टोटल पेमेंट बनती है 5500 रुपया, 5500 पेमेंट बनती है। लेकिन स्पेशली इसी बैच के लिए, इस बैच में अगर कोई भी बच्चा एंट्री लेना चाहे और वो नेक्स्ट शुरुआती 10 दिनों के अंदर अंदर अगर आते हैं और जितनी एंट्रीज हम इस बैच में दे पाएंगे, वो एंट्री 50 हो सकती है, वो 100 हो सकती है, वो स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो टेस्ट बैच में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए शुरुआती दौर के आधार पर ये 1500 की जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है, और अब हर एक स्टूडेंट ने सिर्फ 4000 रुपया 2 मंथ्स का पे करना है, और वो बैच आगे लगातार हर 2-2 महीने की फीस 4000 पे करते हुए आगे लगातार लगा सकता है। ठीक है जी, तो ये जो बड़े ही रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं, जैसा कि आपको पता है सिलेबस बैच की फीस काफी ज्यादा होती है, लेकिन प्रैक्टिस बैच की फीस बहुत रीजनेबल रखी गई है। उसके पीछे एक ही टारगेट है, बहुत से बच्चे सिलेबस बैच तो कर चुके हैं, सीख तो चुके हैं, लेकिन अब उन्हें प्रॉपर प्रैक्टिस कोई करवाने वाला नहीं नजर आ रहा, वो उन लोगों के लिए हमारी अकेडमी के दरवाजे अब खुले हैं, और वो टेस्ट बैच के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की स्पेशल तैयारी करने के लिए आ सकते हैं। एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, टाइमिंग जो इस बैच की रहेगी वो 10 बजे से लेकर 3:30 या 4, जो भी समय की जरूरत होगी, जितने भी घंटे लगाने होंगे उस हिसाब से मिनिमम 10 से 3, और या ज्यादा से ज्यादा 3:30 या 4 बजे तक इस बैच की टाइमिंग रहेगी। ठीक है, रेगुलर 5, 5.5 या 6 घंटे की आपकी क्लास रहेगी। जो बच्चे इतना समय रेगुलर बैठ सकें, जो बच्चे इतना समय हार्डवर्क कर सकें, वो ही बच्चे इस बैच के अंदर ज्वाइन करें। और एक बात, हमारे यहाँ जो सिलेबस बैच लगाते हैं उनको हमारे डिसिप्लिन का, हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट माहौल का, हमारे यहाँ के जो तौर तरीके हैं वो ज़्यादातर पता लग चुके होते हैं, लेकिन जस्ट सीधा टेस्ट बैच में आने वाले बच्चों को वो तौर तरीके नहीं पता होते हैं। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो स्टूडेंट की बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी भी तरह की आप कोई भी किसी तरह की हरकत करते हो, शोर शराबा करते हो, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन करें जो शांत रहकर अपना पढ़ सकें, डिसिप्लिन के माहौल के अंदर रह सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा, और आपके अच्छे भविष्य के लिए हमारा जो संभव योगदान हो सकेगा, हमारे जो हम हार्डवर्क कर सकेंगे उतना हर चीज़ हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो शुक्रिया बच्चों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और 20 तारीख को ये बैच शुरू होने जा रहा है, 20 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10 बजे। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए ज्वाइन करना चाहें वो आके अपना नाम लिखवा दें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमारे बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट्स करें। ठीक है जी, थैंक यू।